स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। शुरुआत हरियाणा से करते हैं। हरियाणा में जाट समुदाय के 5 जून को प्रस्तावित धरने के मद्देनजर हरियाणा सरकार अलर्ट पर है। हरियाणा सरकार ने धरने की चेतावनी देने वाले जाट नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम मनोहर लाल की अभी मुलाकात जारी है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की ताजा स्थिति के बारे में अमित शाह को अवगत करवाया तो पीएम से जाट आरक्षण को लेकर बातचीत जारी है। तो एक और 5 जून को जाटों की ओर से धरना प्रस्तावित है, धरना करने जा रहे हैं एक बार फिर से। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार भी अलर्ट पर है और आज अमित शाह से सीएम मनोहर लाल मिल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात अभी चल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही जुड़ चुके हैं दिल्ली से। पंकज, इस वक्त भी क्या मुलाकात चल रही है, कब तक उम्मीद की जा सकती है मुलाकात खत्म होने की? बिल्कुल, अब से 15 मिनट पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात चल रही है और दूसरी तरफ हरियाणा भवन में जाट नेताओं के साथ हरियाणा सरकार की मीटिंग चल रही है। आज दिल्ली में लगातार मीटिंगों का जो दौर है वो लगातार जारी है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की और उनके साथ जो हरियाणा के बीजेपी प्रभारी हैं अनिल जैन वो मौजूद थे और जाट नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान वो मौजूद थे। और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है और जाटों को आरक्षण दिलवाने के लिए कोर्ट में भी उन्होंने पक्ष रखा है। तो ऐसे में जो 5 तारीख को जो ऐलान किया है कि आंदोलन किया जाएगा वो इसको स्थगित करवाना चाहती है। इसी के मद्देनज़र एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक जारी है और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार हैं वो पिछले तकरीबन दो घंटों से जाट नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और सरकार की यही कोशिश है कि जो ऐलान किया गया है कि 5 तारीख से जाट एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे आंदोलन करने जा रहे हैं वो ना किया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ हरियाणा सरकार पूरी तरह से इस पूरे मामले में इस बार किसी भी तरह से कोई चूक ना रह जाए इसके लिए तमाम जो जानकारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी दी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरे मामले के बारे में जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल, तो किसी ना किसी तरीके इस आंदोलन को पहले ही निष्फल करने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो रही है तो वहीं अमित शाह से मिल चुके हैं सीएम और दूसरी ओर जाट नेताओं के साथ भी बैठक लगातार जारी है, बातचीत के जरिए मसला हल करने की कोशिश हो रही है। उधर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर लगी रोक के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोई राहत नहीं दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। हाईकोर्ट ने अर्जी पर प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में हरियाणा सरकार की तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकील जगदीप धनखड़ पेश हुए। जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने पर लगी अंतरिम रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार की अर्जी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार की तरफ से सीनियर वकील जगदीप धनखड़ पेश हुए, हालांकि कोर्ट ने फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार और हवा सिंह सांगवान गुट की दलील थी कि कोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक लगाने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना है। उनका कहना है कि इस फैसले से सरकार और जाट दोनों प्रभावित हैं, क्योंकि इससे हरियाणा में चल रही भर्तियों और दाखिलों पर प्रभाव पड़ रहा है। चंडीगढ़ से नेहा शर्मा, जी मीडिया। वहीं बुधवार को हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने सूबे की सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। अशोक तंवर ने आरोप लगाया कि प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है उसके
कई अहम बिंदु अभी भी छिपाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों पर भी बात की। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के बाद प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। अशोक तंवर ने सूबे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि रिपोर्ट के एक मुख्य भाग को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है और ऐसा करके प्रदेश सरकार आम जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। तंवर ने कहा कि रिपोर्ट में 36 अहम कागजात को भी छिपाया गया है। जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है अभी भी उसमें 36 पेज ऐसे हैं जिसके अंदर महत्वपूर्ण सुराग और महत्वपूर्ण पहलू मिल सकते थे पूरे इस जाट आरक्षण आंदोलन के पीछे क्या किस तरह का घटनाक्रम हुआ। अगर हमने बीच की कड़ी को तोड़ दिया, उन पेजों को गायब कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट कहने के लिए सार्वजनिक है लेकिन आज भी इसको छिपाया गया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से सवाल किया। जाटों ने एक बार फिर 5 जून से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है जो कि बेहद करीब है। ऐसे में सरकार आम जनता की सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध कर रखे हैं? आगे कोई प्रदेश में हिंसा ना हो, पुलिस प्रशासन सरकार अच्छे तरीके से जिम्मेदारी के साथ काम करे, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान सरकार ने किए, क्योंकि 5 तारीख अब कोई दूर नहीं है। सरकार ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं ये विपक्ष के माध्यम से भी और हरियाणा की जनता की तरफ से भी हम पूछना चाहते हैं कि अब उस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, इसका भी सरकार जवाब दे। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने वाड्रा लैंड लीड को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी महज जनता का मन भटकाने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स और आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस किसी तरीके से इस पूरे प्रकरण में, हमने बार बार कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते, रंजिश के चलते भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कदम उठा रही है और उसका एक स्पष्ट कारण है कि जहां वो अपने वायदे जो उन्होंने किए थे वो पूरी तरीके से उसमें विफल हुए हैं, वहीं जनता का ध्यान किस तरीके से डाइवर्ट करें, तो ये टैक्टिक्स उनकी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका नहीं चूकते। बुधवार को चंडीगढ़ में ऐसा ही कुछ देखने को मिला जहाँ कांग्रेस ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। ललित शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा में पानी की कमी को लेकर हरियाणा सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर मीडिया से मुखातिब हुए कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बताया कि ऊपर के चारों डैम बनने के बाद प्रदेश के पानी में स्थिरता आएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद लखवार डैम का दौरा किया है जिसके बाद 4,000 करोड़ के प्रपोजल को विभाग ने मंजूरी दे दी है, बस इस पर कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार बाकी है। देखिए, निश्चित रूप से हम सब इस प्रतीक्षा में हैं कि ऊपर के जो हमारे चारों डैम हैं वो निर्मति हो जाती है, तो जैसे भाखड़ा डैम बनने के बाद, नंगल डैम के बाद हमारे पानी में स्टेबिलिटी आई है और पूरे साल हम 1,000-4,000 क्यूसेस पानी लगातार ले पाते हैं, लेकिन यमुना का पानी बारिश के दिनों को छोड़ दें तो फिर उसमें बहुत अंतर आता है और इस बार तो हम काफ़ी नीचे गए, 1,000 क्यूसेस तक भी चले गए थे, तो उसमें भी स्टेबिलिटी आए, 3,000-4,000 क्यूसेस पानी हम पूरे साल अगर ले सकें तो इलाके के लोगों को, पूरे प्रदेश को बहुत लाभ होगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है दौरा किया लखवार डैम का और उसमें से अच्छी बात ये भी है कि 4,000 करोड़ रुपये का प्रपोजल डिपार्टमेंट ने बना के अप्रूव कर दिया है, अभी कैबिनेट से अप्रूवल बाकी है। हरियाणा से राज्यसभा के लिए बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। डॉक्टर चंद्रा चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू हुए। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि बीजेपी से उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है, साथ ही बीएसपी के विधायक ने भी उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है और शिरोमणि अकाली दल के विधायक के साथ कांग्रेस से भी उनका संपर्क है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि कांग्रेस से उन्होंने एज अ पार्टी समर्थन मांगा है, हालांकि अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इंडिपेंडेंट के रूप में नॉमिनेशन फाइल किया, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन का आश्वासन दिया और इंडिविजुअल एमएलएज हम लगभग सबके संपर्क में हैं। बीएसपी के एक एमएलए हैं, उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है।
हम श्रोमणि अकाली दल के भी एमएलए से संपर्क में हैं, इनेलो के भी लोगों से संपर्क में हैं, कांग्रेस के लोगों से भी संपर्क में हैं। कांग्रेस से हमने एज ए पार्टी भी रिक्वेस्ट की है कि हमें आपका समर्थन चाहिए। उनका कोई निर्णय नहीं आया है, लेकिन ये हमने मांगा है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि इनेलो के दो विधायकों ने खुद उनसे संपर्क कर समर्थन की बात कही है। इनेलो में दो ऐसे एमएलए स्वयं आए जिन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, आपकी तो पार्टी का कैंडिडेट है आर के आनंद, तो आप कैसे देंगे? नहीं, हमें वो मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके प्रति भी कुछ आरोप लगे हैं। जो भी कुछ हुआ होगा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल इनेलो समर्थित उम्मीदवार आरके आनंद नाम वापस ले ले और अगर चुनाव हुआ तो भी जीतेंगे। डॉक्टर चंद्रा के मुताबिक उन्हें 31 से 33 वोट मिलेंगे। का समय भी है, हो सकता है कि कल दूसरे जो कैंडिडेट साहब हैं वो शायद विड्रॉ कर लें। अगर कल नहीं करते हैं तो 11 तारीख को निर्णय हो जाएगा। हम विक्टोरियस निकलेंगे, इसका मुझे पूरा यकीन और विश्वास है। मैं जरूर कम से कम 33 वोट मिलेंगे, 31 से 33 मिलेंगे जी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांगड़ा से आ रही है, जहां पर दिल्ली के 9 ट्रैकर फंसे हुए हैं, भंगाल में फंसे हुए हैं। सभी लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। बड़ा भंगाल के गांव में इन लोगों ने शरण ली है। ट्रैकिंग के दौरान 3 ट्रैकर घायल हो गए। ट्रैकर को वापस लाने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर का प्रबंध कर दिया है। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू नहीं हो पाया। फिलहाल पालमपुर में हेलीकॉप्टर को मौसम के साफ होने का इंतजार है। कांगड़ा जिले का दुर्गम स्थान है बड़ा भंगाल, और यहीं पर ये फंसे हुए हैं ट्रैकर। पैदल जाने में 3 दिन लग जाते हैं, सड़क की भी सुविधा नहीं है। और इस वक्त जो है ये दिल्ली के रहने वाले ट्रैकर हैं जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। 9 ट्रैकर हैं, कांगड़ा की बड़ा भंगाल में फंस गए हैं। बड़ा भंगाल के गांव में इन लोगों ने शरण ली हुई है। ट्रैकिंग के दौरान 3 ट्रैकर जो है वो घायल भी हो गए हैं, और इनको वापस लाने के लिए प्रशासन भी पूरी कोशिश कर रहा है। हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया गया है, हालांकि मौसम खराब है और इसी वजह से रेस्क्यू नहीं हो पाया है। इस वक्त हमारे साथ एसडीएम सुनैना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सुनैना जी, इस वक्त की स्थिति जानना चाहेंगे, कहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह से फंसे और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी, ये 9 लोगों की एक टीम है जो कि ट्रैकिंग के लिए निकली थी, और हमें तकरीबन शाम को 6 बजे के करीब एक कॉल आया और हमें पता लगा है कि ये लोग जो है बड़ा भंगाल में ट्रैकिंग करते हुए 2-3 लोग जो वो इंजर्ड हो गए, उस वजह से वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो इस वक्त वो एक बड़ा भंगाल नाम की पंचायत में फंसे हुए हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको चॉपर के थ्रू वापस लाया जाए। सुनैना जी, क्या आपका उनसे संपर्क हो पा रहा है, कुछ बातचीत हो पा रही है उनसे? जी, सैटेलाइट फोन के थ्रू हमने कल उनसे संपर्क किया था शाम को। आज सुबह भी हम उनके साथ संपर्क में थे तकरीबन 11 बजे तक। वो अभी सुरक्षित हैं सभी, और उनका रहने का प्रबंध कर दिया गया है। स्थानीय लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं वहाँ जी। सुनैना जी, कितनी देर से वो वहाँ पर फंसे हुए हैं, कब जो है प्रशासन की पहली मदद जो है उनको मिली, क्या अभी स्थिति है, कितना उनकी सेहत की अगर बात करें तो क्या स्थिति है? हमें शाम को कल 6 बजे इस बारे में पता नहीं था, वो परसों रात को पहुंचे होंगे। क्योंकि बड़ा बंगाल एक ऐसी जगह है जहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहां आपको जाना हो तो आपको दो दिन की ट्रैकिंग करनी ही पड़ती है। तो हमें सैटेलाइट फोन के थ्रू शाम को जानकारी मिली, और सुबह ही हम लोगों ने जो है वो चॉपर उनके लिए उपलब्ध करवा दिया था। और चॉपर की एक सॉर्टी हुई थी, लेकिन वहाँ मौसम खराब होने की वजह से चॉपर लैंड नहीं कर पाया। तो चॉपर अभी हमने स्टैंड बाय पे रखा है, और जल्द ही जैसे ही वेदर कंडीशन इम्प्रूव होता है दोबारा जो है एक सॉर्टी कराई जाएगी। सुनैना जी, अभी और कितना वक्त लग सकता है रेस्क्यू में? आज तो अब
वापस की उड़ान संभव नहीं है, तो अगर कल मौसम साफ दे रहा है तो कल उनको वहां से निकाल लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनैना जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो 9 ट्रैकर जो है वो फंसे हुए हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, कांगड़ा के बड़ा भंगाल में ये ट्रैकर फंसे हुए हैं, इनको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और हेलीकॉप्टर का प्रबंध कर दिया गया है। हालांकि मौसम खराब है इस वजह से अभी भी ये लोग वहीं पर हैं, लेकिन गांव के लोग जो हैं वो पूरी मदद भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के नए मुख्य सचिव बनाए जाने पर वीसी फारका ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया है। फारका ने रूरल एंड ट्राइबल एरिया में रोड कनेक्टिविटी में सुधार लाने पर जोर देने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव वीसी फारका ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर सचिवालय में उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा, जिसमें कर्मचारियों, अधिकारियों से लेकर नेताओं समेत कई लोग शामिल हुए। उन्होंने नई जिम्मेदारी बखूबी निभाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया। अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए उन्होंने बताया कि उनका जोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू अपॉइंट मी एज अ चीफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग प्रायोरिटी इन द गवर्नमेंट। आई फील दैट एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। You cannot say ki A is very important or B is very important. When you are taking care of infrastructure development, at the same time you have to take care of revenue administration also. हालांकि मुख्य सचिव चाहते हैं कि ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए, ताकि विकास के पायदान पर सबसे आखिर में खड़ा व्यक्ति भी सुविधाओं का लाभ उठा सके। The most important thing in tribal is the road connectivity. Because over a period of time, because of widening of national highway etc., there are certain issues. I have already taken up with Ministry of Defence and Government of India. Let us see how fast we are able to solve this. Being a Buddhist, I would request them to be compassionate and at the same time positive and think positive. वीसी फारका 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं और मुख्यमंत्री के खास करीबियों में गिने जाते हैं। इससे पहले वे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर सूबे के मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने का आदेश दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मानसूर मीर ने प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस मानसूर मीर ने मामले में संज्ञान लेते हुए हादसों के पीड़ितों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। जस्टिस मीर ने हिमाचल प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर भी गंभीर होने की सलाह दी। इसलिए किया गया है कि ताकि जो बेचारे रोड एक्सीडेंट में मरते हैं उनको 10 साल, 5 साल, 8 साल लगते हैं कोर्टों में कंपनसेशन मुआवजा हासिल करने के लिए। हमने हमारी ये कोशिश थी कि आज हम इससे पहले इनको अदालत के जाने की जरूरत नहीं है, उन सब अफसरों को बुलाया, इनसे बातचीत करके जिनके अफराद मरे हैं उनको भी कंपनसेशन मुआवजा मिलेगा और जो जख्मी है उनको भी। दरअसल जस्टिस मीर हाईकोर्ट में आयोजित लोक अदालत में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन लोगों की शिकायतों और तकलीफों को सुनने के बाद काफी भावुक हो गए। मुख्य न्यायाधीश के इस आदेश के बाद उम्मीद ये है कि मुआवजे का इंतजार कर रहे लोगों की तकलीफ कुछ कम जरूर होगी। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद।